आज हम बनाएंगे तरी वाली गोभी आलू की सब्जी। तो तरी वाली गोभी आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए दो आलू, यहाँ लिया गोभी का फूल। तो गोभी का फूल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके काट लेंगे और आलू को भी छील के काट लेंगे और अच्छे से दोनों चीज़ों को धो लेंगे। गोभी और आलू को हमने काट लिया है और छोटे छोटे टुकड़े में आलू को काटा है और गोभी को इस तरीके ना तो ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी और अच्छे से धो लिया है। गोभी को करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए पहले से। तो हम गोभी तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें एक एक पीस डाल देंगे। हमारे गोभी हल्की सी शैलो फ्राई हो गई है और आप चाहो तो फुल तेज में तेल में भी फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कम तेल में करी है फ्राई। तो अब बनाएंगे गोभी आलू का मसाला। तो गोभी आलू बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल। और तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें एक छोटी चम्मच जीरा और इसी के साथ ही डालेंगे एक छोटी चम्मच राई और यहाँ डालेंगे जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और यहाँ लेंगे बड़ी इलायची जिसको हम तोड़ के डालेंगे। और आप जो भी इलायची डालें तोड़ के डालें वरना ये उछटने का चांस रहता है इसका। और इसी के साथ ही डाल देंगे यहाँ पर लहसुन। तो लहसुन और कड़े मसाले को सेक लेंगे। तो हमारे बड़ी वाली इलायची है जो ज़्यादा खुल गई है तो इसके बीज भी निकल सकते हैं तो मुंह में आएंगे। किसी किसी को पसंद नहीं होते हमारे घर में तो मैं निकाल लूँगी बड़ी इलायची को बाहर। तो इसी के साथ ही डालेंगे यहाँ पे दो हरी मिर्ची और यहाँ लेंगे तीन चार मीडियम साइज की प्याज छोटी छोटी। और मैंने बारीक बारीक पतला पतला शेप में काट लिया है इसको। तो प्याज को भी सेक लेंगे। प्याज अच्छे से सिक चुकी है। अब डालेंगे इसमें दो बड़े टमाटर का पेस्ट और पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे प्याज के साथ में। और करीबन अच्छे से मिलाते हुए एक मिनट तक टमाटर के पेस्ट को पका लेंगे। हमने अच्छे से आधे मिनट तक पका लिया है। तो यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ ही डाल देंगे यहाँ पे एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ डालेंगे यहाँ पे डेढ़ छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ ही डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच। और इसी के साथ ही डाल देंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसी के साथ डालेंगे यहाँ पे हरे धनिए और हरी मिर्ची की चटनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर। और अच्छे से मिला लेंगे मसालों को। देखो हमने अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हैं जो हमारे जले नहीं। और मसाले को पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ हमने मसाले को अच्छे से पका लिया। जब तक पकाया है जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हुआ जब तक। तो अब डालेंगे इसमें गोभी और इसी के साथ ही डाल देंगे आलू। और मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे गोभी आलू को। मसाले के साथ में हमने गोभी आलू को अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें पानी। और एक बार और मिला लेंगे और देख लेंगे पानी हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है। तो थोड़ा सा पानी कम लग रहा है हमें, थोड़ा सा और डाल देंगे हमें क्योंकि
तरी वाली गोभी बनानी है। और ढक्कन लगा देंगे। करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यह मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो यहाँ हमारे 3 मिनट हो गए। ढक्कन को उठा लेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे सब्जी है जो बनके तैयार है। गोभी भी अच्छी काफ़ी गल चुकी है। और अब डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया बारीक बारीक। हरे धनिया की हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, हमें हरा धनिया ज़्यादा ही डालना है। और हरे धनिया को भी मिला लेंगे एक बार। तो लीजिए हमारी तरी वाली गोभी है जो बनके तैयार। अगर तरी वाली गोभी आलू पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि तरी वाली गोभी कैसी बनी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।